बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 9, क्षितिज भाग 1 हिंदी, काव्य खंड का पाठ 3 रसकान इनके द्वारा रचित सवैये हैं, उनको मैं बताऊंगी। मानु सो तो वही रसकानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो का बस मेरो, चरो नित्यनंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डाल। यानी रसखान कवि कहते हैं कि वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं और कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म लें। यानी बसो ब्रज गोकुल, मानुष हो तो वही रसकानी, रसकान मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं तो वो गोकुल में ही जन्म लें और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। यानी गोकुल के जो ग्वाले हैं उनके साथ वो रहना पसंद करते हैं, उनके साथ ही मिलकर वहाँ रहे। और वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में, जो पशु हो तो का बस मेरो, यानी वे पशु योनि में जन्म ले तो इसके साथ उनका कोई वश ही नहीं है, तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चढ़ने का मौका मिले। यानी नित नंद की धेनु मंजारन, मंजारन यानी बीच में, झुंड में, धेनु यानी गाय, चरो यानी चरु, बस यानी वश में, पशु यानी पशु जानवर तरह कोई वश में नहीं है, उनको चढ़ने का मौका मिले। पाहन हो तो यानी यदि पत्थर बने तो वही उस गिरी का यानी गोवर्धन पर्वत पहाड़ के पत्थर हो जिससे श्री कृष्ण ने हरी छत्र यानी हरी छत्र हाथ से छत्र की छाया की, हरी यानी कृष्ण ने पुरंदर यानी इंद्र, तो इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपने हाथ से उस पहाड़ का गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया की तो उसका ही वो पत्थर बनना चाहते। यानी कवि कहते श्री जी से श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था और वे कहते हैं यदि उन्हें खग यानी पक्षियों के साथ मिलकर पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल के अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करें। सर रसकान कवि जो भी धारण करना चाहते हैं, मनुष्य, पशु, पत्थर, पक्षी, तो वो गोकुल में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी प्रिय कदम की जो डाल है वहीं पर पक्षी बन के बसेरा करना चाहते हैं। इस तरह रसकान कवि गोकुल में ही अपना जन्म लेने के लिए कहते हैं। दूसरा सवैया, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहु पुर को तजिदारो, आठों सिद्धि नव निधि के सुख, नंद की गाय चराय बिसारो। रसकान कबो इन आखिन सो, रज के बगबान बाग तड़ाक निहारो, कोटि के कलकोत के दाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। यानी कवि रसकान कहते हैं कि यदि मुझे यानी श्री कृष्ण की वह लाठी और कमली कंबल पाने का अवसर मिले जिसे लेकर श्री कृष्ण गाय चराया जाया करते थे तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूं। और वे कहते हैं यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में अमूल्य आठों सिद्धियों और नवों निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूं।
वे कहते हैं, यानी रसकान कवि कहते हैं, यदि मुझे कभी अपनी आँखों से ब्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को, यानी उनके झुंड को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हूँ। यानी वो कृष्ण की हर एक छोटी सी छोटी वस्तु से प्यार से पसंद करते हैं और उन्हीं पे अपनी सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। आज यहीं तक, बाकी का आगे पढ़ेंगे। बाय बच्चों।